दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुधीर शर्मा। नवी मुंबई स्टूडेंट एंड यूथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित शिक्षण हक अभियान के इस एपिसोड में मैं सीधा आपसे रूबरू हूं। और मैं सबसे पहले नवी मुंबई स्टूडेंट और यूथ फाउंडेशन के मार्गदर्शक श्री दशरथ जी भगत, नेतृत्वकर्ता निशांत भाई भगत और इस फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज महाराणा, आप तीनों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सेगमेंट के लिए मुझे आमंत्रित किया। शिक्षण अभियान को लेकर इस वक्त बड़ा जो मोर्चा, बड़ा प्रयास, बड़ी पहल जो नवी मुंबई स्टूडेंट और यूथ फाउंडेशन के जरिए चल रही है, ये निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय है। सराहनीय मैं इस लिहाज से कहना चाहता हूं क्योंकि पिछले 6 महीनों के लॉकडाउन में पूरा आर्थिक कारोबार जो है पूरी तरह से ठप है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जो कामकाज है, जो कारोबार है, जो छोटे छोटे जीविका के साधन है, उन पर भी व्यापक असर पड़ा है। ऐसे में जो सामान्य लोग हैं, जिनका गुजारा उनके सैलरी, उनके रोज के कामकाज या रोजगार से होता है, उनके लिए ये जो कोरोना की महामारी है, एक विकट समस्या है, एक विकट चुनौती आ गई है, एक भयंकर ऐसा आर्थिक संकट आ गया है जिससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आप जानते हैं कि पिछले 6 महीनों से ये हालत है, 6 महीनों से ज्यादा, मैं कहूं कि उससे भी ज्यादा समय हो गए हैं, और अभी भी इसका कोई ऐसा मुकम्मल अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि आखिर ये जो आर्थिक जो हालात हैं ये कब सुधरेंगे, ये कब फिर से मुख्य धारा में सब लोग पुनः काम करने लगेंगे। तो निश्चित तौर पर ये सभी के सामने, चाहे वो नौकरी पेशा हो या रोजगार कारोबार से जुड़े हुए लोगों, सबके लिए बड़ी चुनौती भरा ये समय है। और ऐसे समय में जो सबसे बड़ी चिंता जो सामने दिख रही है वो है कि कोई घर का जो मुखिया है, जो मुख्य व्यक्ति है जिसके जरिए ये पूरा परिवार चलता था, उसके लिए मुसीबत हो गई है कि वो अपने परिवार को कैसे झिलाए, अपने बच्चों की वो पढ़ाई कैसे कराए, और अगर घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कैसे कैसे हो, वो कैसे कराए, क्योंकि चुनौती उसके सामने सबसे बड़ी आर्थिक है, और आर्थिक चुनौती इंसान का मनोबल तोड़ देती है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों का जो मनोबल है वो इसीलिए टूटा हुआ, इसीलिए कमजोर हुआ है क्योंकि वो आर्थिक तौर पर कमजोर हो गए। और ऐसे दौर में जो मुख्य सबसे बड़ी चिंता की जो बात है कि लोग अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर बेहद परेशान हैं। परेशान इस लिहाज से हैं कि जो शिक्षण संस्थान है वो इस तरह की मनमानी कर रहे हैं, इस तरह से जबरन फीस वसूली कर रहे हैं कि पालकों और अभिभावकों के लिए एक अजीब सी टेंशन पैदा हो गई है कि आखिर जब जेब में पैसे नहीं है, जब काम धंधा बंद है, जब रोजी और रोटी का साधन ठप हो गया है, ऐसे में वो पैसा कहां से लाए एक साथ कि अपने बच्चों की फीस जो है जैसे पहले भरते थे उसी तरह से आज अपने बच्चों की फीस भर सके। तो निश्चित तौर पर ये जो टेंशन है ये बेहद बेहद खतरनाक है। कई लोगों का इतना मनोबल टूट गया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका समाधान कैसे निकालें, कैसे अपने वो बच्चों की टेंशन दूर करें, कि उन्हें कैसे आश्वस्त कर सकें कि आप चिंता मत करो, हम आपकी पढ़ाई का पूरा इंतजाम करेंगे। ऐसे में हो क्या रहा है कि जो जबरन फीस वसूली है या फीस नहीं दे पाने की स्थिति में जो स्कूल प्रबंधन है वो बच्चों की ऑनलाइन क्लास तक बंद कर दे रहा है, या नामांकन उनका रद्द करने की इंडिकेशंस भी दिए जा रहे हैं, ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर आपने लंबे समय तक पैसे नहीं भरे फीस के तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो नॉमिनेशन, वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये इस स्थिति में जो नवी मुंबई स्टूडेंट और यूथ फाउंडेशन है
वो शिक्षण हक अभियान चला रहा है, जो अपने आप में इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर कोई भी इस वक्त बोलने के लिए तैयार नहीं है। और मेरी समझ में आज पालकों और अभिभावकों के सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ी चुनौती है, वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाने की है। और ऐसे समय में जब वो अपने बच्चों के उनकी बच्चों की शिक्षा जो है वो बाधित हो रही है, बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, ऐसे में उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए नवीन भाई स्टूडेंट और यूथ फाउंडेशन ने जो अभियान शुरू किया, शिक्षण हक अभियान, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि ये आज का विषय ही ऐसा था, इसलिए मुझे भी लगा कि इस पर निश्चित तौर पर अपनी राय रखनी चाहिए, और मैं एक एक्सपर्ट के तौर पर नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वर के तौर पर मैं अपनी बात यहाँ पर रखने की मैं कोशिश करूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए 2009 में अप्रैल 2010 में, सही मायने में कहें कि अप्रैल 2010 में ये कानून लागू हुआ था। उस कानून का नाम था अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये बना 2009 में, लेकिन ये लागू हुआ 2010 में। इसका मूल उद्देश्य जो था वो यही था कि सभी बच्चे पढ़ें और सभी बच्चे आगे बढ़ें, क्योंकि बिना एजुकेशन के आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सरकार का ये लक्ष्य था कि 80% बच्चे आज भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में खासकर 80% के तकरीबन बच्चे, जो ऑब्जर्वेशन में आया था कि आज भी अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। शहरी इलाकों में भी यही तकरीबन हाल है, मोर देन 40% जो बच्चे हैं आज भी अच्छी शिक्षा से वंचित हैं, और खासकर सामान्य घरों के बच्चे, सामान्य परिवारों के बच्चे, सामान्य अभिभावकों के बच्चों के साथ ये मुश्किल और भी बड़ी है, क्योंकि वो अच्छे प्राइवेट स्कूलों में डाल नहीं सकते, और सरकारी स्कूलों के जो शिक्षा पद्धति है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, उस पर अक्सर सवाल उठते रहे, आप भी जानते हैं और सबको इसके बारे में पता है। लेकिन आज जो अहम मुद्दा है वो है प्राइवेट स्कूलों का। ये जब कानून आया था राइट टू एजुकेशन 2009, शिक्षा का अनिवार्य अधिकार अधिनियम 2009, ये जब 2010 में लागू हुआ था, तो इसमें तमाम तरह की गाइडलाइंस थी। उसकी एक गाइडलाइंस थी सेक्शन 21K में 2B में लिखा हुआ है कि किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 6 से 14 साल की है, उसे उसके नजदीक के 1 से 3 किलोमीटर के किसी भी शिक्षण संस्थान स्कूल में उसको एडमिशन देना कंपलसरी होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें लिखी गई है कि किसी भी बच्चे को फीस भर नहीं पाने की कंडीशन में आप उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। ये सेक्शन 21K 2B में क्लियर लिखा हुआ है राइट टू एजुकेशन एक्ट में। इसको मॉनिटर करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन के तमाम अधिकारियों की नियुक्ति की गई है कि बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो, उनको बेहतर एजुकेशन मिले, उनको अनिवार्य शिक्षा जो 6 से 14 साल के लिए सुनिश्चित की गई है, जो प्रावधान कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था। मैं बात कर रहा था कि इस कानून को लाया क्यों गया, उसकी अनिवार्यता क्यों महसूस की गई कि राइट टू एजुकेशन जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि सरकारी स्कूलों का जो स्तर था वो गिरते जा रहा था, और प्राइवेट स्कूलों का जो वर्चस्व है धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा था कि आप देखेंगे, एक नवीनमय सिटी की बात कर लीजिए, 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में ये सिटी है, इसमें अगर सरकारी स्कूल महानगर पालिका के अगर स्कूलों की संख्या देखें तो तकरीबन 65 से 70 के आसपास स्कूल है, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूलों की संख्या देखें तो तकरीबन आपको 800 से 900 स्कूल ऐसे मिलेंगे जो प्राइवेट है। तो जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा स्कूल्स हैं उतने ज्यादा बच्चे उस दिशा में जा रहे हैं, उस प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बात एजुकेशन तक ठीक है, लेकिन जो आजकल शिक्षा को बाजार का रूप, एक कमर्शियल स्वरूप दे दिया जा रहा है, जबकि शिक्षा एक चैरिटी है,
एक दान है, एक तरह का सिर्फ ज्ञान का दान करने का ये संस्थान है। लेकिन आजकल शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चालू हो रहे हैं ताकि वहां से ज्यादा कमाई हो सके। बड़े बड़े कैंपस बनाए जा रहे हैं, एजुकेशन का स्तर में कोई खास बहुत ज्यादा अंतर या डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा सरकारी स्कूलों और दूसरे प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन जो जो माहौल क्रिएट करके और जो एक कॉर्पोरेट स्टाइल तैयार करके, उस तरह के इंस्टीट्यूट तैयार करके, उस तरह के कैंपस तैयार करके बहुत बड़ी बड़ी फीस वसूलने का ये प्रयास एक तरह का चल रहा है। और इसीलिए एक तरह का कॉम्पिटिशन भी है उसमें। कॉम्पिटिशन इस बात का है कि कौन सा स्कूल कितना बेहतर है और कितनी ज्यादा फीस लेता है, वो उस हिसाब से उसका रेपुटेशन, उसकी प्रसिद्धि और उसकी उसका जो उसका मापदंड है वो तैयार किया जा रहा है। और यही एक ऐसा घातक पहलू है जो आज शिक्षा को बाजार के रूप में परिवर्तित कर रहा है। इसका जो साइड इफेक्ट ये है कि अब सामान्य लोग इस तरह के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने से वंचित हो रहे हैं। आज की जो ताजा हालात है, अगर आप लॉकडाउन में देखेंगे तो ये जो मुश्किल है, जो जबरन फीस वसूली की, ज्यादा फीस वसूली की, पैसा नहीं भरने पर, फीस नहीं भरने पर बच्चों का ऑनलाइन क्लास बंद कर देने की, या उन्हें दूसरी जो टेक्निकल जो सपोर्ट दिया जा रहा है उसे बंद कर देने की, उनका नामांकन रद्द कर देने की, या उनको क्लास से स्कूल से ही बाहर कर देने की जो ये नौबत आ रही है, ये सिर्फ इसी शिक्षा को बाजार बनाने के कारण है। इसी स्वार्थ का नतीजा है कि हम किसी भी हाल में शिक्षा को चैरिटी नहीं करने देंगे। इसके लिए सरकार ने तमाम तरह के नियम और तमाम तरह के कानून और प्रोविजन तैयार किए हैं कि शिक्षा कभी भी बाजार ना बनने पाए, क्योंकि यह ज्ञान का एक दान का तरीका है कि भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी रहेंगे लेकिन वो शिक्षा को कारोबार की तरह नहीं चलाएंगे, शिक्षण संस्थानों को कारोबार की तरह नहीं चलाएंगे। लेकिन सरकार के इन सभी प्रावधानों, सभी नियम निर्देशों के खिलाफ आप देखेंगे कि व्यापक पैमाने पर आज शिक्षा को कारोबार के तौर पर इसको लिया जा रहा है। और तमाम शिक्षण संस्थान, मैं ये नहीं कहता कि 100% ऐसे शिक्षण संस्थान है जो सब गलत कर रहे हैं, लेकिन अधिकांशतः तकरीबन 80-90% ऐसे शिक्षण संस्थान है जो प्राइवेट और निजी शिक्षण संस्थान है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, आखिर क्यों नहीं बच्चों को रियायती और मुफ्त शिक्षा देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको जो शिक्षण संस्थान प्रारंभ करने के लिए जो जमीन दी गई है वो प्योरली चैरिटी पर दी गई है। चैरिटी का मतलब ये है कि आप बच्चों को, हर तबके के बच्चों को आप रियायती और सुलभ शिक्षा देंगे, और इसीलिए आपको ये कौड़ियों के भाव ये जमीन दी जा रही है कि आप चैरिटी करेंगे, शैक्षणिक आप जो है वो आप धर्मादाय का काम करेंगे। नियम के अनुसार जमीनों का आवंटन कर दिया गया, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान बन गए हैं, लेकिन वो इन नियमों का, दिशा निर्देशों का या प्रावधानों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर कोई भी मजबूत मॉनिटरिंग सरकार की तरफ से नहीं है। अगर है तो उनकी मिलीभगत ऐसा कह सकते हैं कि वो कार्रवाई को लेकर तैयार नहीं है। संभवतः इसीलिए प्राइवेट स्कूलों की जो ये मनमानी है बड़े पैमाने पर चल रही है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। तमाम शिकायतें हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सख्त कार्रवाई नहीं है, इसलिए मनमानी अभी भी जारी है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि जो लॉकडाउन की कंडीशन में ये जो मुसीबत पैदा हुई है, अधिकांश जो अभिभावक हैं वो इस बात का गंभीरता से विरोध कर रहे हैं कि जो स्कूल्स हैं उनके बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा तो दे रहे हैं वो महज 1-2 घंटे की है, लेकिन उसके बदले में वो पूरी फीस मांग रहे हैं। ऐसे कैसे संभव है कि कोई सिर्फ 2 घंटा ऑनलाइन पढ़ाए और फीस पूरी की पूरी रेगुलर ले, ये तो सीधे तौर पर एक अन्याय नजर आता है। अब दिक्कत यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करने के लिए नुकसान किसका हो रहा है। एक तो मुसीबत है अभिभावकों के सामने कि लॉकडाउन के कारण 6 महीने से ज्यादा से काम धंधा बंद है, सैलरीज नहीं मिल रही है, रोजगार बंद है, तो आर्थिक लेन देन जो है सारा ठप है। ऐसी कंडीशन में घर परिवार चलाना मुश्किल है, मुसीबत है, एक तरह की बड़ी चुनौती है कि परिवार कैसे चलाए, उसको कैसे राशन पानी का, दूसरों का इंतजाम करें। और ऐसे में जब कोई प्राइवेट स्कूल जब उनके बच्चों को एजुकेशन बंद कर देने की
चेतावनी देकर या उसकी धमकी देकर बोलता है कि आपको पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी, तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात बन जाती है। कहा जा रहा है कि भाई हम फीस इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं आपको बच्चों के लिए, ताकि शिक्षा बाधित न हो पाए। लेकिन आप देखिए कि ऑनलाइन क्लासेस में फायदा किसका और नुकसान किसका है। एक स्कूल की पूरी प्रमाइसेस बनी हुई है और जब रेगुलर क्लासेस चलते हैं तो वहां तमाम टीचर्स आते हैं, फैकल्टी होती है, जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल होता है, बिजली का इस्तेमाल होता है, दूसरे जो संसाधन है उसका इस्तेमाल होता है। इसलिए स्कूलों को रेगुलर फीस देने में कोई भी पेरेंट कोताही नहीं करता, कोई मनाही नहीं करता। लेकिन आज जब लॉकडाउन में आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो इस दौरान रेगुलर क्लास की बजाय जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, उनका जो एक्सपेंस है वो माइनर बिल्कुल 5-10% रह जाता है। बहुत सारे टीचर्स आज घर से मोबाइल पर एजुकेशन दे रहे हैं तो उसमें एक्सपेंस वैसे भी बहुत कम हो जाता है। दूसरी चीज, इसमें नुकसान जहां स्कूल और इंस्टीट्यूट का बहुत ही कम खर्च है, बहुत ही न्यूनतम खर्च रह गया है खर्च पर ये ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, वहीं पेरेंट्स का अगर आप गौर करेंगे तो पेरेंट्स के ऊपर इस आर्थिक तंगी के बीच कई गुना ज्यादा एक्सपेंस बढ़ गया है। सपोज बहुत सारे घरों में स्मार्टफोन नहीं थे, अब ऑनलाइन एजुकेशन लेना है तो उसमें कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए, उसके लिए इंटरनेट चाहिए, अगर स्मार्टफोन नहीं लेना है तो टैब चाहिए, अगर टैब से भी ज्यादा एडवांस जाना है तो आपको लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप से अगर थोड़ा सा एडवांस होना है तो आपको कंप्यूटर चाहिए और कंप्यूटर के साथ चाहिए आपको वेब कैमरा चाहिए। अब इस एक्सपेंस का देख लीजिए कि एक नॉर्मल कंप्यूटर की कीमत अगर 50,000 के आसपास है तो 2,000 के आसपास कैमरे, मतलब 50,000 से 52,000 तक तो सिर्फ कंप्यूटर का हो जा रहा है, 30,000 के नीचे कोई भी लैपटॉप उपलब्ध नहीं है। और ऐसी कंडीशन है कि लॉकडाउन में लैपटॉप सेकेंड हैंड तक मिलना मुश्किल हो गया है। जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड बढ़ी है और पेरेंट्स अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर परेशान है। मोबाइल आप देख लीजिए, एक अच्छा मोबाइल जिससे आप अपने बच्चों की पढ़ाई कर सकते हैं उस मोबाइल की कीमत ही 15,000 से कम नहीं है, उसके साथ चाहिए इंटरनेट, उसके साथ चाहिए आपको रेगुलर बिजली। ये सारा जो एक्सपेंस अगर आप देखेंगे तो ये 20,000 से 50,000 के ऊपर 50,000 तक ये एक्स्ट्रा बोझ इस लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन का खर्च पड़ रहा है किसको, पेरेंट्स के ऊपर। भाई इसका इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर ये पेरेंट्स इतना खर्च अपने बच्चों के लिए क्यों उठाए, क्यों बेजा खर्च उसके ऊपर डाला जाए? ये जिम्मेदारी स्कूल की, अगर स्कूल फीस मांग रहा है तो ये सारा इंतजाम उसको उसे करके देना चाहिए, लैपटॉप उसे देना चाहिए, हर स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट्स को टैब देना चाहिए, हर स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन देना चाहिए, उसके साथ इंटरनेट का कनेक्शन देना चाहिए कि हमने आपके बच्चे का एडमिशन किया है और मैं इसके बदले में आपसे फीस लेता हूं। आज हमारा स्कूल का लॉकडाउन के कारण कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए उसके बदले में जो मैं साल भर आपसे फीस लेता हूं, ये आपको 15,000-20,000 का मैं आपको एक्सपेंस ये मैं करके दे रहा हूं ताकि आपका बच्चा पढ़ाई करे। लेकिन हो क्या रहा है, स्कूल फीस भी मांग रहा है और पेरेंट्स के ऊपर ये दबाव भी है, ये मजबूरी भी है कि वो अपने बच्चों के लिए इंस्ट्रूमेंट भी खरीद रहा है। ये कितना बड़ा नुकसान है पेरेंट्स को, आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या सरकार इसकी भरपाई कर रही है? क्या सरकार को इसकी चिंता है कि भाई पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, उनका एजुकेशन बाधित हो रहा है कि नहीं बाधित हो रहा है, स्कूल की मनमानी किस तरह के चल रही है, और क्या कोई मनमानी की शिकायत आ रही है तो उस पर कोई कार्रवाई हमारी मशीनरी कर रही है कि नहीं, जो प्रशासन है वो कार्रवाई कर रहा है कि नहीं, जो संबंधित अधिकारी है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, जो राइट टू एजुकेशन कानून है जिसमें सख्ती की गई है कि बच्चे को किसी भी कंडीशन में शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, क्या इसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब आखिर देखेगा कौन? और ये नहीं देखा जा रहा है, इसकी अनदेखी की जा रही है, जो प्रशासन है और जो सरकार है इसकी अनदेखी कर रही है, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रही है, इसका कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर रही है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे तनाव में हैं, शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, इसके बावजूद भी स्कूल और कॉलेजों की मनमानी आज भी जारी है। आखिर इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? ऐसी कंडीशन में जब ये सारी परिस्थितियां पेरेंट्स के सामने हैं, सारी परिस्थितियां बच्चों के सामने हैं, स्कूल अपनी मनमानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, आखिर क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? आखिर इनके ऊपर दबाव क्यों नहीं बन रहा है? हमने जो एक ऑब्जर्वेशन हमने जो किया, एक शॉर्ट ऑब्जर्वेशन किया कि आखिर स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की इतनी मनमानी क्यों है?
आखिर ये सरकार और प्रशासन से डर क्यों नहीं है? तो आप गौर करेंगे कि जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, 100 में से आप देखेंगे तो मोर देन 85% इंस्टीट्यूट हैं, ये किसी न किसी नेता, किसी न किसी मिनिस्टर या उनसे एफिलिएट है। इसका मतलब है कि ये उन लोगों के स्कूल हैं जो नीतियों के नियंता हैं, जो कहते हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज आप देखेंगे सारे डॉक्टर्स जो हैं, नर्सेस हैं और जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज सेवक हैं, वो तमाम लोग अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर लॉकडाउन में लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए खाना दे रहे हैं, लोगों के लिए इलाज की सुविधाएं दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्रशासनिक बहुत सारे अधिकारी जो हैं वो जनता के पास सीधे जा जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन शिक्षण संस्थान इस मामले में सबसे बड़े निकम्मे साबित हो रहे हैं। उनको रत्ती भर भी चिंता नहीं है कि इस पेंडेमिक इमरजेंसी में हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है कि जिस जमीन को हमें कौड़ियों के भाव सिर्फ इसलिए दिया गया था कि हम एजुकेशन में चैरिटी कर सकें, चैरिटी चैरिटेबल एजुकेशन हम दे सकें, उसके लिए कोई भी ऐसा दानवीर, कोई भी ऐसा शिक्षा महर्षि, कोई भी ऐसा शिक्षा सेवी या कोई भी ऐसा शिक्षा का संस्थान, शिक्षण संस्थान चलाने वाला कोई भी एक भी संचालक आगे आकर ये नहीं स्वेच्छा से कह रहा है कि मैं अपने स्कूल और कॉलेज, अपने अपने छात्रों की फीस जो है मैं इस साल मुक्त करने वाला हूं, मैं फ्री करने वाला हूं। यह भी कोई कहने के लिए आगे नहीं आ रहा है कि जो 100% फीस है मैं उसमें सिर्फ 50% या 25% ही फीस लेने वाला हूं। यह भी कोई इंस्टीट्यूट का संचालक कहने के लिए सामने खुले तौर पर नहीं आ रहा है कि हम बच्चों की फीस के लिए उनके पेरेंट्स को हम मोहलत खुले तौर पर दे रहे हैं कि वो जब चाहें इस साल नहीं अगले साल तक वो फीस दें, उनके बच्चों की शिक्षा हम शिक्षा जो है बाधित नहीं करेंगे, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि पेरेंट्स जो है वो टेंशन में है, बच्चों का मानसिक जो है वो मनोबल जो है वो गिर रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है और लोग मजबूरन इसके विरोध में सड़कों पर आने के लिए मजबूर है। अब इससे क्या होगा, कानून व्यवस्था की हालत खराब हो सकती है, आने वाले समय में बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ सकती है, उससे वो आत्महत्या और दूसरी खतरनाक स्थिति में जा सकते हैं, वो नशेबाज बन सकते हैं, वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो सकते हैं, अवसाद से ग्रसित हो सकते हैं, तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। जब हम ये कहते हैं कि शिक्षा जो है इंसान के भविष्य की बुनियाद, बच्चों की बुनियाद तय करती है, शिक्षा इस देश के, इस समाज के भविष्य का निर्माण करती है, बच्चों के भविष्य को संवारती है, तो आखिर ये शिक्षा इतनी खतरनाक स्थिति में क्यों चली गई है कि आज बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है? आखिर शिक्षा का मकसद क्यों बिगड़ रहा है? कौन इसके जिम्मेदार लोग हैं? जिनके ऊपर प्रशासन और सरकार जो है जिसकी जिम्मेदारी बनती है इसको पर अंकुश लगाने की, वो आखिर क्यों नहीं लगा रही? ऐसी स्थिति में आपको नहीं, आप सब लोगों को नहीं लगता कि इसको सुधारने की, इसको संवारने की और इस पर तत्काल निर्णय लेने की जरूरत है? अभी हाल ही आप देखेंगे तो बिजली के बिल जो है वो बेतहाशा लोगों के आए हुए हैं। रेगुलर बिल अगर किसी का 500 से 2000 तक आता था, आज उनके बिल 5000 से लेके 50000, कई कई लोगों के बिल 1-1 लाख तक आए हैं। आप सोचिए, एक तो कंगाली और ऊपर से आपका आटा गीला हो जाए तो आप क्या कहेंगे? एक तो आर्थिक तंगी और ऊपर से आप इतना ज्यादा बोझ डाल दीजिए कि बिजली का बिल आपके 10 गुना ज्यादा आ जाए और आपके बच्चों को सिर्फ आप फीस नहीं भर पाने के कारण स्कूल से वंचित कर दिया जाए, ऑनलाइन क्लास से वंचित कर दिया जाए। उस पेरेंट की मनस्थिति को आप देखिए, वो आक्रोश उसके अंदर पैदा नहीं होगा इस सरकार के खिलाफ, इस प्रशासन के खिलाफ, स्थानीय नेताओं के खिलाफ कि आखिर ये लोग खामोश क्यों है? बच्चों को शिक्षा से बाधित किया जा रहा है, उसके लिए कोई भी नेता आवाज उठाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? मीडिया गंभीरता से उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? जो अपने आप को शिक्षण समाज सेवक, शिक्षण सेवक कहते हैं, वो लोग इस बारे में आवाज उठाने के लिए क्यों तैयार नहीं? और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिसकी, जिसे कानून के पालन करने का, अनुपालन करने का उत्तरदायित्व जिसके ऊपर है, वो शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षण अधिकारी आखिर क्यों खामोश है, क्यों चुप है? क्या उनको अभिभावकों की तकलीफ नजर नहीं आती जो हम जैसे सामान्य लोगों को नजर आती है? क्या मंत्रियों को नजर नहीं आती? क्या सरकार को नजर नहीं आती? क्या शिक्षण अधिकारियों को नजर नहीं आती? क्या यह बात जो जिम्मेदार नेता है उनको नजर नहीं आती? आखिर क्या वजह है कि शिक्षा का जब मामला आ रहा है तो सब के सब खामोश हो जाते हैं,
उसके खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है, कोई बड़ी आवाज नहीं उठ रही है कि ये हमारे बच्चे हैं जो आज ये बर्बाद हो जाएंगे, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तो कल अच्छे भारत का, अच्छे महाराष्ट्र का, अच्छे समाज का निर्माण कैसे होगा? आखिर ये चिंता क्यों नहीं हो रही है? ऐसे दौर में मुझे जहां तक लगता है कि इस प्रशासन को जागने की, अपना जमीर जगाने की और इस व्यवधान को, इस समस्या को, इस मुश्किल को दूर करने की जरूरत है ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके। लेकिन मैं ये भी आपको एक साथ साथ एक बात कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इन मुश्किलों में रास्ता निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग निश्चित तौर पर हैं जो इसका नया ट्रेंड जो है तैयार कर रहे हैं। और वो नया ट्रेंड क्या है? वो नया ट्रेंड ये है कि आजकल स्कूलों की मनमानी को देखते हुए कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, कुछ ऐसी चैरिटेबल संस्थाएं हैं जो जरूरतमंद बच्चों को होम ट्यूशन देने की तैयारी कर ली है। कई संस्थानों ने इसकी शुरुआत भी कर दी है और आप यकीन करेंगे आज आपके बच्चे, आज हमारे बच्चे पूरी तरह से 2-3 घंटे घरों से मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं और स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं। उससे बेहतर एजुकेशन देने के लिए होम ट्यूशन इंस्टीट्यूशन जो है तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे संस्थाओं से मेरी जो चर्चा हुई है, उन्होंने वो साफ बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों के लिए उनके घर जाकर होम ट्यूशन देने की शुरुआत भी कर दी है। तमाम टीचर्स और जो एजुकेशन से जुड़े हुए अच्छे स्वयंसेवी लोग हैं, आज घर पे बैठे हुए थे, वो उनका सदुपयोग कर रहे हैं। जो चैरिटी में जो पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की उसमें मदद ली जा रही है कि आप जो बच्चे हैं जो अपने घर पे ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, उन्हें आप पढ़ाइए जाकर। और ये एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है कि अब बिल्कुल रियायती रेट पर, बिल्कुल कम पैसे में, यूं कहें कि एक तरह से मुफ्त तरीके से होम ट्यूशन देने की कोशिश तमाम संस्थाएं कर रही हैं। ऐसी कंडीशन में सोचिए कि ये मनमानी कर रहे हैं, शिक्षा का कारोबार चला रहे इन शैक्षणिक संस्थानों का आगे क्या होगा? इन्हें सोचना चाहिए कि जिन बच्चों को आज वो मनमानी कर रहे हैं, जबरन फीस वसूलने की जबरदस्ती कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ, उन्हीं बच्चों के दम पर इन्होंने अपने इतने बड़े संस्थान खड़े किए हैं। सोचिए अगर आज इन संस्थानों में ये बच्चे ही जाना बंद कर दें, पेरेंट्स ने यह तय कर लिया कि हम इस तरह की मनमानी करने वाले स्कूलों में अपने बच्चों को किसी भी हाल में नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चों को जिस तरह से आज ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, मिल रहा है, उसी तरह से होम ट्यूशन के जरिए अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, ट्यूटर को सामने बिठाकर अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे, तो सोचिए स्कूलों में जाएगा कौन? इनकी मनमानी का क्या होगा? इन स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा? आज ये वर्षों से इन्हीं बच्चों से इन्होंने बड़ी बड़ी फीस वसूलते रहे, बड़े बड़े चार्ज वसूल के अपने स्कूल और संस्थान को चलाते रहे। क्या इस पेंडेमिक इमरजेंसी में इनका फर्ज नहीं बनता है कि आज जब पेरेंट्स को जरूरत है, इनकी सही मायने में इनको राहत देने की और सपोर्ट की जरूरत है, तब शिक्षण संस्थानों को राहत देना चाहिए, आगे स्वयं बढ़कर आना चाहिए कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, आप पैसा कभी भी भरिए, हम अपने आपके बच्चों को कभी एजुकेशन से वंचित नहीं करेंगे। ये होता है एक समन्वय पेरेंट्स और प्राइवेट स्कूलों के बीच में, ये होना चाहिए लेकिन आज नहीं हो रहा। और इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है होम ट्यूशन। जिस दिन फुल फ्लैश चालू हो गया, ये पूरी तरह से लोकप्रिय और व्यवहार में आ गया, तो इन जो ये बाजार चला रहे हैं शिक्षा का, इनको जोर का झटका बैठेगा। और मैं कहता हूं सरकार को कि मैं एक अपील करता हूं सरकार और जो शिक्षण शैक्षणिक संस्थान के लिए प्रशासन है कि इसको आप प्रमोट कीजिए। प्रमोट इसलिए कीजिए कि सामान्य व्यक्ति भी किसी भी तरह से अपने बच्चों को रियायती एजुकेशन दे सके। ये बेहद जरूरी है क्योंकि ये ऐसे हालात हैं जब सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई राजनेता इसे मदद नहीं कर रहा, तब ये होम ट्यूशन जो सामान्य जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको एक बड़ी राहत देने वाली एक पहल महसूस की जा रही है। और हम सबका फर्ज बनता है कि शिक्षा का जो बाजार चलाने वाले लोग हैं, उनको सबक सिखाने के लिए, अपने बच्चों का तनाव कम करने के लिए, स्मूथली एजुकेशन के लिए, इस तरह के होम ट्यूशन, इस तरह के इंस्टीट्यूट और संस्थाओं को हम प्रमोट करें, स्वयंसेवी संस्थाओं को हम समर्थन करें जो मुफ्त में रियायती शिक्षा देने के लिए तैयार हो रही है, घर घर आके उनके ट्यूटर पढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मनमानी है, निश्चित तौर पर उस पर कुछ न कुछ उस पर लगाम लगेगा। मैं जो
प्रमुख बात एक आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप एक चीज का ध्यान रखिए। मेरी कई जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे मेरी बात हुई है कि ये दौर जो है बहुत मुश्किलों का दौर है। ये दौर इसलिए मुश्किलों का दौर है कि पेरेंट्स जो हम जैसे पेरेंट्स हैं उनके सामने जो है आर्थिक चुनौती है। उनका रोजी रोजगार और नौकरी बेहतर ढंग से नहीं चल रही है, उनके सैलरीज नहीं आ रही है, इसलिए पेरेंट्स अपनी मुश्किलों में हैं। लेकिन बच्चों की अपनी मुश्किलें हैं। हम कुछ मुश्किलें झेल सकते हैं, हम उसका सामना कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का मनोबल अगर टूट गया, बच्चों के मन में तनाव पैदा हो गया, उनके मन में अवसाद पैदा हो गया कि नहीं उनके पेरेंट्स की मुश्किल की वजह से ये हालात भी ठीक हो जाएंगे, ये हालात भी अच्छे होंगे। लेकिन इस हालात को ठीक करने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो जितने भी जिम्मेदार प्रशासन हैं या नेता हैं या अधिकारी हैं इस बारे में गंभीरता से पहल करें, पेरेंट्स की मुश्किलों को समझें, पेरेंट्स की मुसीबत को समझें, बच्चों के तनाव और अवसाद की चिंता करें, उन बच्चों की चिंता करें जो कल का भविष्य हमारे, जो कल के हमारे राष्ट्र के और समाज के निर्माता हैं। अगर वो बिखर गए, वो बर्बाद हो गए, तो फिर इस समाज को भी आप बर्बाद होने से नहीं बचा सकते। इसमें एक इम्पोर्टेंट अगर आप विषय देखेंगे तो जब रेगुलर क्लासेस चल रहे थे स्कूलों के, उस वक्त बच्चों की फीस ली जाती थी, सालाना जो फीस होती है वो 30,000 से लेकर और 2,00,000 के आसपास की फीस जो है वो पेरेंट्स चुकाते थे। ये तब की बात थी, तब की बात है जब रेगुलर क्लास चलते हैं। जाहिर सी बात है तमाम टीचर्स हैं और उन टीचर्स का जो आप सैलरी देखेंगे, उनका एक्सपेंस देखेंगे, तो तकरीबन एक जो बीएड तक की टीचर होती है जो स्कूलों में आजकल पढ़ा रही है, उनकी सैलरी जो है 20,000 से 30,000 के बीच में है। आप मैक्सिमम अगर हाई एंड में जाएंगे तो किसी टीचर की सैलरी 40,000 से 50,000 तक है। अब आप एक चीज गौर कीजिए कि जब आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो एक एक क्लास में जितने बच्चे हैं वही टीचर तमाम लोगों को एक साथ पढ़ा रही है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी कंडीशन में ठीक है आपको उतनी सैलरी देनी है, लेकिन जब एक ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है, एक मोबाइल है या एक कोई इंस्ट्रूमेंट है जिस पर एक साथ 50 या 60 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रही है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको फीस ही वसूलनी है, आपको अगर आपको खर्च ही वसूलना है इस पढ़ाई का, तो आप ऐसा करिए कि जो उस टीचर की पर्टिकुलर फीस है उसको आप डिवाइड कर दीजिए, 50 बच्चों में डिवाइड कर दीजिए और पेरेंट्स को जितना एक पेरेंट्स के ऊपर जितना पैसा आ रहा है टीचर का, आप उतना पैसा उससे ले लीजिए। आप ट्यूशन की तरह आप उससे फीस वसूलिए, ना कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के का जो आपका खर्च हो रहा है उसकी तरफ पे फीस वसूलिए। आप मान लीजिए प्रति घंटा अगर आपका प्रति टीचर आपका 500 रुपीज खर्च हो रहा है, तो एक पेरेंट से आप 500 रुपये ले लीजिए। इससे ज्यादा आप क्या ले सकते हैं, इससे ज्यादा आपको वसूलने का क्या फर्ज बन रहा है? क्योंकि पढ़ाई जो आप 6 घंटे करते थे अब आप सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई करा रहे हैं, और वो भी कंप्लीट 2 घंटे नहीं है, 2.25 घंटे की आप पढ़ाई कराकर आप रेगुलर फीस कैसे वसूल सकते हैं? आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती शिक्षण संस्थानों को कि जिस पढ़ाई को हम रेगुलर करवा ही नहीं रहे हैं उसके बदले में हम 2 से 3 घंटे के या 2.5 घंटे के या 1.25 घंटे के फीस को हम रेगुलर फीस के तौर पर कैसे मांग सकते हैं? क्या ये पेरेंट्स और बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं है? दूसरी जो चीज है, आप 6 घंटे का पैसा 2 घंटे में वसूलना चाहते हैं, आंशिक पढ़ाई के लिए आप पूरी फीस वसूलना चाहते हैं, और जो एडवांस पेमेंट की आप डिमांड कर रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? तब भी पेरेंट्स कौन सा आपको एडवांस फीस देते थे? रेगुलर फीस जाती थी, जो पढ़ाई हो जाती थी उसके बाद बच्चों की फीस जमा होती थी। लेकिन आज ये है कि आप तभी जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं जबकि पेरेंट्स जो है एडवांस में आपको ऑनलाइन क्लासेस का फीस भर देते हैं। ये नियमों के खिलाफ नहीं है, ये सरासर नियमों का उल्लंघन नहीं है क्या? ये संस्था जो शिक्षण मंडल अधिकारी है, ये उन्हें नहीं दिखता कि इस तरह के कानून को कैसे धता बताकर, कैसे इन कानूनों का उल्लंघन करके किस तरह से शिक्षण संस्थान अपनी मनमानी कर रहे हैं? क्या इसके ऊपर अंकुश नहीं लगना चाहिए? पालकों और छात्रों पर बेवजह दबाव बनाया जा रहा है। इसमें आरटीआई जो आरटीई एक्ट है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसका खुले तौर पर उल्लंघन हो रहा है। तो इन सबको रोकने की जरूरत है। अगर ये नहीं रुका तो ये मनमानी लोगों के खिलाफ जाएगी, बच्चों के भविष्य के खिलाफ जाएगी और इस समाज के लिए नुकसानदेह साबित होगी।
तो मेरी अपील है इस तमाम शिक्षण संस्थाओं से कि आप ईमानदारी से जिस शिक्षा को पवित्रता के साथ ईमानदारी के साथ आपने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था और जिस जिन संकल्पों के साथ आपने शिक्षण संस्थान चालू किया था उन संकल्पों को आप मत ध्वस्त कीजिए। आप ईमानदारी से बच्चों के हित में आप फेयर एजुकेशन देने की कोशिश कीजिए। ये आपका उत्तरदायित्व भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है और समाज के प्रति आप समाज के लिए इसकी जरूरत भी है और समाज के एक जिम्मेदार घटक होने के नाते सभी शिक्षण संस्थाओं को सभी शिक्षण संस्थान संचालकों का ये फर्ज बनता है कि इतनी ईमानदारी वो जरूर निभाएं क्योंकि कल उनके भी बच्चे इसी तरह किसी न किसी शिक्षण संस्थानों में जाएंगे और अगर ऐसी मनमानी बढ़ी तो उन्हें भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शिक्षण संस्थानों के संचालकों से मेरा आग्रह है, मेरी अपील है कि आप अपनी मनमानी और अड़ियल रवैये से आप बाहर जाएं, आप इससे अलग हटें, इसको थोड़ा सा दरकिनार करते हुए इंसानियत के नाते, समाज सेवा के नाते और एक समाज के नागरिक होने के नाते जिस समाज ने जो आपको दिया है उसके बदले में कम से कम इस वक्त जिस वक्त आपकी जरूरत है, आपने जीवन भर कमाई की, जीवन भर आपने पैसा कमाने के बारे में सोचा लेकिन इस वक्त जब पेरेंट्स को मदद करने की जरूरत है तो आप कम से कम इतनी तो उदारता दिखाइए, इतनी तो दयालुता दिखाइए, इतनी तो क्षमता अपनी, इतनी भी तो मानसिक स्थिति दिखाइए कि हाँ आप इसी समाज के हिस्सा हैं और इस दुख की घड़ी में आप भी बराबर का योगदान देने के लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पेरेंट्स और अभिभावक अपने बच्चों को लेकर थोड़े सावधान रहेंगे, धैर्य रखेंगे, मुश्किलों से निजात पाने की कोशिश करेंगे और जो ये अभियान है शिक्षण हक अभियान नवोदय स्टूडेंट्स और यूथ फाउंडेशन का अभियान है, इसके जरिए जहां भी आपको जरूरत पड़ रही है ये जो फाउंडेशन है आपको मदद करने के लिए आगे आ रहा है। इस फाउंडेशन के जरिए आपको जो मदद मिल सकती है उसके जरिए आप अपने बच्चों के शिक्षा को सही स्ट्रीम पर लाने की जो कोशिश चल रही है उसमें सबका योगदान होना चाहिए और शिक्षण हक अभियान को मजबूती तभी मिल सकती है जब ये समस्याएं जो सुलझेंगी और लोगों की मुश्किलों को हल करने के लिए सकारात्मक प्रयास होंगे। मुझे उम्मीद है पूरी कि जो शिक्षण हक अभियान जो है नवीन भाई स्टूडेंट्स और यूथ फाउंडेशन का, ये सभी बच्चों के हित में इसी तरह से गंभीरता से काम करते रहेगा। हम जैसे जो तमाम समाज के घटक हैं, चाहे वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हों, समाज सेवा से जुड़े हुए हों, राजनीति से जुड़े हुए हों, शिक्षण से क्षेत्र से जुड़े हुए हों, ये सबकी एक पहल होनी चाहिए, सबका एक प्रयास होना चाहिए, सबका समर्थन होना चाहिए कि हम इस अभियान को मजबूती दें, इस अभियान को प्रोत्साहन दें और जो छात्र जो पेरेंट्स इस वक्त पीड़ा में हैं, पीड़ित हैं, हम भी उसी उन्हीं का एक हिस्सा है, हम इस बात को जरूर रख रहे हैं लेकिन हम भी उसी का एक हिस्सा है, कहीं ना कहीं हम भी इससे पीड़ित है, हमारे भी बच्चे इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस जो है आजकल ले रहे हैं, उनकी तमाम तरह की मुश्किलें हैं। आप देखेंगे कि जो आर्थिक मुश्किलें हैं वो तो है ही लेकिन आज बच्चों पर इस ऑनलाइन एजुकेशन का जो असर जो है वो नेगेटिव असर पड़ने लगा है, उनका जो मानसिक जो तनाव है, स्ट्रेस है, जो माइंड स्ट्रेस है वो बढ़ने लगा है, आंखों पर तनाव आने लगा है और बैठे बैठे उनको शारीरिक तकलीफ होने लगी है। तो इसलिए मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र और फ्रेंड सर्कल में हैं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि आप इन मुश्किलों को दूर करने के लिए आप स्वयं से पहल करें। कई लोगों ने ये खुले तौर पर कहा कि हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो मुश्किल पैदा हुई है उसमें स्कूलों के लिए क्लियर गाइडलाइंस जारी करें, लेकिन आज आप देखेंगे तो क्लियर गाइडलाइन सरकार की तरफ से नहीं है। शिक्षण संस्थानों की ये दलील है, उनकी अपील है कि सरकार कुछ ऐसा नियम बना के हमें क्लियरली दे दे कि भाई आपको इस कंडीशन में इतनी ट्यूशन फीस या इंफ्रास्ट्रक्चर फीस आपको ही वसूलनी है, इससे ज्यादा आप वसूल नहीं सकते। शिक्षण संस्थान का जो वो इंतजार कर रहे हैं सरकार की गाइडलाइंस का, लेकिन सरकार की तरफ से आप अभी तक कुछ 6 महीने के बावजूद भी कुछ स्पष्ट गाइडलाइन अभी तक नहीं आ रही है। सरकार ये जरूर कह रही है कि हम रेगुलर क्लासेस को, रेगुलर स्कूल्स को शुरू कराने की तैयारी में हैं, लेकिन तब तक जब तक स्कूल्स चालू नहीं हो रहे तब तक कोई गाइडलाइन
कोई एसओपी, कोई स्टैंडिंग ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है वो कुछ न कुछ कार्य प्रणाली होनी चाहिए जो इन स्कूलों के शिक्षा व्यवस्था को मॉनिटर करे, जो इसकी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाए और इनकी खामियों को दुरुस्त करते हुए ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर, इस परिस्थिति के अंदर ये सुनिश्चित करे कि बच्चों को सही तरीके से एजुकेशन मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर से बच्चों का तनाव बढ़ेगा, पेरेंट्स का तनाव बढ़ेगा और इसका खामियाजा पूरे समाज को और पूरे सिस्टम को भुगतना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार और शिक्षण संस्थान दोनों अपनी उदारता दिखाएंगे, अपनी नीयत सही रखते हुए बच्चों के बारे में, जो कल के भविष्य हैं और पीड़ित पेरेंट्स के बारे में, जो परेशान जो अभिभावक हैं उनके बारे में गंभीरता से सोचेंगे। हम सब लोग मिलकर इस अगर पहल को करते हैं, हम सब उदारता से अगर इस समस्या के समाधान के बारे में प्रयास करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो आज बाधित बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं बच्चे, जो आज तनाव में हैं बच्चे और जो परेशानी और मुश्किल में हैं बच्चे, जो आज बच्चे उदास हैं, उन उदास बच्चों के चेहरे पर हम फिर से नई मुस्कान, नया हौसला और नया विश्वास पैदा कर सकते हैं और हमें उम्मीद है कि ऐसा ही होगा और हम सब मिलकर इसके लिए पहल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।